अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग नाज़रीन, आखिर हर बार हम ये भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी शनाख्त पाकिस्तान से है, हमारी मुल्क की बका पर मुनहसर है। पाकिस्तान है तो हम है, खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तानी तो हम भी नहीं। इस बात पर न सिर्फ इस मुल्क के हर आम शहरी को होना चाहिए बल्कि इस मुल्क के मीडिया को भी इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि मीडियम पर चलने वाली खबर इस मुल्क के इज्जत वकार पर सवालिया निशान। मगर बदकिस्मती से हमारा मीडिया आजाद तो हो गया मगर आजादी से बेलगाम घोड़ा इस बात को भी भूल गया कि जिस मुल्क ने उसे बनाया उसे उसकी इज्जत का एहतराम करना, उसका मिसबत रुख पूरी दुनिया को दिखाना भी जिम्मेदारी है। आजादी सहाफत और TRP की जंग में सब हलाल तस्वीर इस कदर आगे निकल गए कि इस मुल्क की आन बान और उसकी हम पर जिम्मेदारियों को न सिर्फ नजरअंदाज कर दिया बल्कि उसका मनफी और मन घड़त दुनिया को दिखाना अपना फखर समझने लगे। सवाल ये भी पैदा होता है कि अजमल कसम हमारा मीडिया सोचे समझे बगैर और बगैर हुकूमत से तस्दीक किए उसके गांव रसाई दिखा देता है। उसका गांव जो कि पाकिस्तान में दिखा दिया जाता है जबकि भारतीय आर्मी मुताबिक मुंबई हमला भारत ने खुद करवाया। जब भारत हम पर इल्जाम की बोल है हम अमन की आशा के राग अलापे जाते हैं। मामला एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट का हो हमारा मीडिया कहां किसी से पीछे रहने वाला है। मसला दहशतगर्दी का हो तो मीडिया साबित करने में कोई कसर उठा नहीं रखता कि तालिबान है और पाकिस्तान गैर महफूज है। सारा आलम जानता है कि दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। जब मुसलमान स्टेट्स पर मजालिम तो खामोश रहने में आफियत समझी जाती है। आखिर हम साबित क्या करना चाहते हैं? वाकई आजादी सहाफत ऐसा रवैया रखने का नाम है? क्या आजादी सहाफत का मतलब TRP हासिल करना है और नंबर वन का तमगा लेना है कि मुसद्दिका खबरों की जाए कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए या नहीं, या सिर्फ रेटिंग्स की रेस में नजर आना ही एक क्राइटेरिया हमारे सामने होना चाहिए? हम इन सारे सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। मौजूद है इस वक्त लाइव स्टूडियो में जनाब जायद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जायद हामिद साहब एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जैसे कहेंगे कि आज हम पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी पर बात करना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे कि मीडिया कितना जस्टिफाई कितना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें हमने जो एक रिपोर्ट तैयार की है मीडिया, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। पाकिस्तान में 14 अगस्त 1920 को आजादी के साथ ही पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान में सिर्फ 4 अखबार मुसलमानों की मलकियत थे। 26 नवंबर 1900 लाहौर से पाकिस्तान के पहले सरकारी टेलीविजन ने नशरियात का आगाज किया। 1920 इस वक्त के सदर अयूब खान ने पहली बार मीडिया के कवानीन प्रेस एंड पब्लिक ऑपिनियंस के नाम से मुतारिफ करवाए जिसके तहत कई अखबार पर पाबंदी आयद कर मुतादित सहाफियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2002 में साबिक सदर जनाब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान मीडिया को आजादी दी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी का कायम भी अमल में लाया गया ताकि एक आजादाना और मुनसिफाना इलेक्ट्रॉनिक तकवीत मिले। मुशर्रफ दौर में पाकिस्तानी मीडिया ने खूब तरक्की की। बहुत से नए TV और रेडियो चैनल्स के लाइसेंस जारी किए गए। पाकिस्तान में इस वक्त 100 से ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन मई 2013 में मंजरेआम पर आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सहाफियों के लिए 12 खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 8वें। गुज़िश्ता साल इसी फहरिस्त में पाकिस्तान 10वें नंबर पर था लेकिन मुल्क में बढ़ते हुए खतरात और उनकी हलाकतों के बायस इस मरतबा पाकिस्तान 8वें नंबर। जी जायद हामिद साहब, जैसे कि आपने रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई, मैं इससे पहले कि अपनी डिस्कशन शुरू मैं बताना चाहूंगी कि मेलकम एक्स जो है वो क्या कहते हुए नजर आए मीडिया के हवाले से। ही से इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन अर्थ, दे हैव द पावर टू मेक द इनोसेंट गिल्टी गिल्टी इनोसेंट एंड दैट्स पावर बिकॉज दे कंट्रोल द माइंड ऑफ द मैस। क्या ये जो माइंड ऑफ मैसेस कंट्रोल किया जा रहा है मीडिया के थ्रू ये सही जा रहा है? देखिए मैडम, आपने आज जो हमने टॉपिक चूज किया है ये एटमी हथियारों से ज्यादा ताकतवर एक हथियार के बारे में है। आजकल की जहां इंफॉर्मेशन वॉर, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, मीडिया
कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रेस एंड साइबर वर्ल्ड एंड इंटरनेट, ये वो हथियार जो आज स्पेशल फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या एटमी हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर तसव्वुर किया। और जब आज पूरी दुनिया पर बड़ी ताकतें हमले करती हैं, कब्जा करती हैं, उनको तोड़कर नक्शे तब्दील करती हैं, या मुल्कों के आबी वसायल पर या तेल और गैस के जखायर पर कब्जा, सारे जंगों को बर्पा करने के लिए जो माहौल बनाया जाता है, वही बात है जो मेलकम एक्स ने अभी कहा कि मीडिया वो हथियार है जो लोगों के जहन कंट्रोल। आप सिर्फ मीडिया के जो किया है पाकिस्तान में, इसाब आजादी सहाफत एक बहुत अच्छी चीज है, सहाफियों को खुली दुनिया में बात करें, यह पूरी दुनिया का तस्वुर बनाया गया है। सहाफियों को एक मुकद्दस गाय के तौर पर पेश किया जाता है, लगाया जा सकता अंडर द नेम ऑफ जर्नलिज्म आप जो चाहें करते फिर। हकीकत के मीडिया के जरिए आप सिर्फ खबरें नहीं पहुंचाते, कॉन्सेप्ट है क्या खबर पहुंचा रहे हैं, आप कौम को, जिस कौम को आप टारगेट करते हैं, जिस कौम के खिलाफ या जिस कौम के बारे में आप टेलीविजन चैनल बनाते हैं, आप उसकी उसका मजहब तब्दील करते हैं, मजहब कंट्रोल करते हैं, उस इखलाक और किरदार तब्दील करते हैं, वो क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी ये उसके इश्तिहार हैं, वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी ये आप फैसला करते हैं इश्तिहार और एडवर्टाइजमेंट से, वो कौन सी लिपस्टिक नेल पॉलिश पहनेगी, कौन सा वो शैंपू इस्तेमाल करेगी, ये सब भी आप मीडिया के जरिए करते हैं। एक फर्द को उसको अंदाजा भी नहीं होता कि आजकल ना स्कूल की जरूरत है, ना माफिया गई, ना उस्ताद है, ना कोई मुर्शिद है। आजकल ये बात डैन ब्राउन ने, ये एक राइटर है मेलकम एक्स की बात कोट की, डैन ब्राउन ने ये बात आज के मीडिया के बारे में कही है कि इट इज द राइट आर्म ऑफ आर्मी, यानी मुल्क और माशरे की अगर सारी अखलाकियात, किरदार, कदरों को, वैल्यूज को, डिसिप्लिन को तबाह कर, और पाकिस्तान का मीडिया जो है इंडिपेंडेंट मीडिया कंसिडर किया जाता है, और फिर जो पाकिस्तान में चैलेंजेस इस वक्त नजर आ रही हैं, तो आप पाकिस्तान के मीडिया देखते हैं वो अपना रोल किस तरह से प्ले कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान का मीडिया ग्लोबल मीडिया से फर्क नहीं है, इसमें एनार्की फैलाने का ताल्लुक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर के मुल्क, जिस तरह अमेरिकन मीडिया, मिसाल हम दें कि आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो वेस्टर्न मीडिया है बड़ा आजाद है, बड़ा उसको इख्तियार है, आने की उसकी ताकत है, वो जो चाहता है दिखाता है, जो बोलता है, पूरी मगरबी दुनिया का 90% मीडिया, 90% मीडिया वो सिर्फ 6 कॉरपोरेशन कंट्रोल कर रही है, 6 कंपनी पूरी दुनिया का मीडिया कंट्रोल करती है, यानी टाइम वार्नर है, वॉल्ट डिज्नी चैनल है, फिर आप इस तरह के आप जो नाम ले लीजिए, आप 6 कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया का मीडिया, कोई आजादी है मीडिया दुनिया में कहीं नहीं है, इससे बड़ा झूठ इंसानी तारीख में नहीं बोला गया कि मीडिया आजाद होता है। बीबीसी आजाद है, ना फॉक्स आजाद है, ना सीएनएन आजाद है, ये अपने मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी बढ़ाने के लिए प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं जिनको टारगेटेड ऑपरेशन दिए जाते हैं कि आपने ये बात मशहूर करनी। आपको दें 1965 की वॉर में इंग्लैंड, चूंकि फसाद फैलाने वाले, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और हमारी वो बॉर्डर के पास एक बस खड़ी हुई थी जो लाहौर से गई हुई थी बॉर्डर पे, पकड़ के इंडियन ले गए, और बीबीसी ने उस बस की तस्वीर दिखा के पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और फॉल हो गया, लाहौर पे कब्जा कर लिया इंडिया ने, और उस जमाने में तो इंटरनेट खबर नहीं होती, लोग बीबीसी पर डिपेंड करते थे, दुनिया में मुसलमान रोए, पूरा पाकिस्तान डिमोरलाइज हो गया कि लाहौर फॉल हो गया। बाद में जाकर पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाया कि नहीं जी लाहौर फॉल नहीं हुआ, वो एक बस थी हमारी जो बॉर्डर से पकड़ के ले गए थे। ये काम है मीडिया का, इन्होंने हमला करना था, पूरी दुनिया में मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का, हथियार मौजूद है, इराक का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने 40 लाख मुसलमान बेघर किए, 10 लाख मुसलमान शहीद किए, टोटल झूठ बोलने के बाद जब इराक जमीन पर लेट गया तो अमरीकन अपनी फौजें लेकर उसमें दाखिल हो गए, राज कर दिए गए। असल हमला इराक पर मीडिया ने किया था, इराक पर तोपों और टैंकों के हमलों से पहले भी थी ग्लोबली, वो मीडिया ने छेड़ी थी। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मीडिया इज द राइट आर्म। सेमोर हर्श, एक अमेरिका का एक बहुत मशहूर सहाफी है, उसने अभी एक बात कही है, दिमाग खराब कर दिए खुद अमेरिकन के भी। सेमोर हर्श ने यह बात कही है कि अमेरिकन मीडिया के सब रिपोर्टर्स को नौकरी से निकाल देना चाहिए कि ये सब झूठ बोलते हैं, और उसने कहा कि उसामा का वाकया सरासर झूठ है, कुछ ऐसा वाकया नहीं हुआ, जो कुछ ओबामा हुकूमत आपको सुना रही है वो रोग और प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सेमोर हर्श कह रहा है, ये वो शख्स है कि जिसको दुनिया की सहाफत के अवार्ड मिल चुके हैं, ये वो शख्स जब ये बात कर रहा है कि वो भी उसामा बिन लादेन का आज पूरी दुनिया में तूफान है। अगर फिर ज्यादा हमें साहब मीडिया का इतना मिसयूज हमें होता हुआ नजर आ रहा है, हमें इंटरनेशनल लेवल्स पर भी, और अगर पर देखें अगर इतना मिसयूजेज है मीडिया का, तो फिर व्हाई स्प्रेडिंग इट आउट, हमने फिर क्यों ओपन कर दिए, फिर इसको गवर्नमेंट ओन चैनल ही रहने दे, पीटीवी रहने देते, एक ही चैनल। आपकी बात बिल्कुल बजा है, पहले इस बात को समझिए कि मीडिया का रोल क्या है। जैसे हमने कहा आप ये क्या हर शख्स को पाकिस्तान में हथियार उसके हवाले कर देते, आप नहीं करते, हथियारों की पाबंदी बड़ी सख्ती है, देते हैं उसको बैकग्राउंड चेक करते हैं, आप उसको लाइसेंस के ऊपर हथियार देते हैं, और वो भी स्मॉल आर्म्स मिलते हैं, राइफलें मिलती हैं, मैक्सिमम सब दे देते हैं बहुत चेक करके, किसी को टैंक नहीं देते आप, किसी को रॉकेट लॉन्चर नहीं देते, किसी को मिसाइल रखने की इजाजत नहीं, मेरे पास मशीन गन नहीं रख सकता, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आप नहीं रख सकते, इनके लाइसेंस नहीं दिए जाते। इसी तरह दौर में
टैंकों, तोपों और एटमी मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो मीडिया के लाइसेंसेज। मीडिया के लाइसेंस हमने रेवड़ियों की तरह बांटे हैं मुल्क में, और होता क्या है कि दूसरे मुल्क सख्ती से निपटते हैं। ईरान में मीडिया इतना सख्ती से कंट्रोल होता है कि खुद खामनाई जो उनके स्पिरिचुअल लीडर है वो निपटते हैं कि मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, हमारी कौम क्या पहनेगी, क्या खाएगी, क्या सोचेगी, क्या नजरियात है, क्या इखलाक है, क्या बात उसको पता लगनी चाहिए, क्या नहीं पता लगनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से दुश्मन की फौज करते हैं कि वो आके पाकिस्तान में गोलाबारी करे, आपके मुताबिक एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए तो फिर आजादी से होगा। देखिए, आजादी सहाफत का जवाब हम आपको देते हैं अल्लामा इकबाल से, आप मुझसे ना पूछें। बाबा इकबाल बहुत हमारे करके गए, तालीम के हवाले से भी, सियासत के हवाले से भी, जमहूरियत के हवाले से भी, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, मीडिया, इस सब के ऊपर बाबा इकबाल ने बड़ी खुली बात कही है। और इकबाल बाबा थोड़े से शेर सुना देता हूं, उससे आप अंदाजा कर लें कि मीडिया की ताकत के बारे में इकबाल ने उस वक्त क्या कहा था। गो फिक्र खुदादाद है से रोशन है जमाना, यानी आज जो जमाना है इसलिए कि अल्लाह ताला ने बड़ी फिक्रें सोचें दे दी है इंसान को, आजादी अफकार है इब्लीस की इजाद। गहरी बात करते हैं कि जो आजादी अफकार है कि जर्नलिज्म सहाफत आजाद होनी चाहिए, आप जो मर्जी चाहें सबको क्वेश्चन करें, आप अल्लाह पे सवाल करें, कुरान पे सवाल करें, दीन पे करें, वैल्यूज पे करें, टू नेशन थ्योरी पे करें, आइडियो पे, इकबाल पर करें, कायदे आजम पे करें, पाकिस्तान, आप जो मुल्क में मुकद्दस है उस पर सवाल जवाब करें, अफकार है इब्लीस की इजाद। ये इब्लीस ने इजाद की है, ये कोई नॉर्मल आदमी को इखलाकियात किरदार आदमी कभी नहीं करेगा। ये आजादी अफकार से है उनकी तबाही, आपके अफकार फ्री थॉट, जो मर्जी सवाल जवाब करना चाहो, आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रख फिक्र तदब्बर का सलीका, जिसको इतनी अकल ना हो कि हराम क्या है हलाल क्या है, फिक्र तदब्बर करती नहीं हो, उनको आप इजाजत दे दें कि हर मौजू पर बात करते फिर माइक उठा के हो। अगर खाम के अफकार इंसान को, इंसान की अगर फिक्र खाम है, इंसान अगर सोच सब्यूज इखलाकियात कदरें दीन मजहब वैल्यूज हराम हलाल की तमीज ये नहीं है अगर इंसान को, और आप उसको अधिकार दे दें, आजादी अफकार दे दें, इंसान को हैवान बनाने का है तरीका, ये इंसानों को जानवर बना देता है, आपको दरिंदा बना देता है। और आज आपको यही पाकिस्तानी माशरे में नजर आ रहा है। मैं पिछले दोनों कई साल दो तीन कॉन्फ्रेंस में गया जहां पर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट उनकी कॉन्फ्रेंस थी, और साइकेट्रिस्ट हमसे कहते हैं की इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है, कि सारे मरीज बढ़ गए हैं, क्योंकि सारे मरीज हमारे पास आते हैं कहते हैं हमें पाकिस्तानी मीडिया ने हमें पागल कर दिया, हमें डिप्रेशन हो गई है, हम खौफ में मुब्तला रहते हैं हर वक्त, हमें दवाइयां दें, हम खबरें सुनते हैं, खबर सुनकर आ जाता है। हमारा मीडिया यह काम कर रहा है, हमारा मीडिया जो हमारी इखलाकी वैल्यूज हैं, हमारा लिबास, हमारा खाना पीना, हमारे हराम हलाल की तमीज, हमारी उर्दू जबान, हमारी सेक्रेड और मुकद्दस था हमारे पाकिस्तान में, उसका हमारे मीडिया ने बेड़ा गर्क क्यों कर दिया। इकबाल जो बात के हो अगर खाम तो आजादी है इफ्तार, अगर इंसान की फिक्र खाम हो तो आजादी है इजहार। उसका एक ऐसे बच्चे को जो इंटर करके निकला है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको आप माइक देके भेज दे और वो करके अपनी मर्जी बोलता रहे जो उसको बोलना है, ना इखलाकियात है, ना तरबियत है, ना बैकग्राउंड है, ना जियोपॉलिटिक्स समझता है, तो फिर इंसान को ये हैवान बनाने का तरीका है, एंड दिस इज व्हाट द मीडिया इज डूइंग। तो यहां पर बड़ी सख्ती से रोक करेगा कि हमारा मीडिया हमारे लिए दोस्त का काम कर रहा है, नादान दोस्त का काम कर रहा है, या खुले दुश्मन का काम। दिस इज अ क्वेश्चन विच मीडिया मस्ट आस्क देमसेल्फ। आज हम खुद मीडिया पे बैठे हैं और यही सवाल हमें करना है, दोस्त है, नादान दोस्त है, या दाना दुश्मन है, ये सवाल अब करने का। तो फिर ये बताएं ज्यादा, मीडिया जो है वो सच, अगर आप मीडिया को बाउंड कर देंगे, उसको आप एक पैटर्न पढ़ेंगे, तो जो सच है, जो ट्रू सेंस में होना चाहिए विद इन लिमिट्स एक्सट्रीमिज्म भी, उस सच को कैसे सामने लाया जाए। देखिए, बात ये है कि आप ये देखिए कि अगेन मीडिया क्या करता है, फॉक्स क्या करता है, बीबीसी क्या करता है, सीएनएन क्या करता है। आप मीडिया ये और मीडिया का सारी आजादी और सहाफत और जर्नलिज्म ये मगरब के तसव्वुरात है ना जो हम लेकर आए, वो आप किस तरह कंट्रोल करते हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अपने मीडिया से किस तरह प्रोजेक्ट करें। इंडिया को देखिए, जिस इंडिया का सारा मीडिया हमारे मुल्क में घुसा चला जा रहा है, वो इंडिया इंटरनेशनल इमेज, नेशनल इमेज कैसे प्रेजेंट करता है। इंडिया के मीडिया में तो कोई बात आपको इंडियन आर्मी के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, इंडिया के अंदर जो इख्तलाफात इतने सारे हैं उनके बारे में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बलोचिस्तान के बारे में, पाकिस्तान कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान आर्मी के बारे में वो सारा तूफान बर्पा करते हैं। हमें तो लगता है कि इंडियन मीडिया, जो कि आपने देखा कि जब ये डिबेट शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की और इंडियन आपस में लोग टकराए, लोग आ गया कि किस तरह इंडियन मीडिया हमारे खिलाफ बाकायदा फायर कर रहा था जिस तरह इंडियन फौजें फायर करती हैं। आजकल एटमी मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हर आदमी के घर में घुसता है, उसके दिमाग में घुसता है, दिल को मुतासिर करता है, और आप लोगों को पहले ही तबाह कर देते हैं फौजें दाखिल करने से पहले। ये काम भी ठीक, हम जायद अहमद साहब यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद हम मजीद जानना चाहेंगे जो पाकिस्तान का रोल नजर आ रहा है उसमें क्या ड्रॉबैक्स है, उसके क्या कोई बेनिफिट भी हमें नजर आ रहे हैं, क्या एग्जैजरेशन हमें जब हम दहशतगर्दी की खबरों को दिखा रहे होते हैं, किस लेवल तक जाना चाहिए सच को एक्सपोज, क्या लिमिट्स होनी चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। नाज़रीन, हम इसी पर
बात करेंगे. स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर. वेलकम बैक नाजीन. हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मीडिया पॉलिसी, पाकिस्तान में मीडिया के रोल के हवाले से कि क्या मीडिया सच को दिखा रहा है या गलत को रोक रहा है, दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, कितने परसेंट फॉरेन कंटेंट जो है वो हमारे मीडिया पर जो है साना चाहिए और कितने हद तक वो नजर आ रहा है. हम इन्हीं सारे एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं. जायद अहमद साहब, आने से पहले हमने फॉरन कॉन्टेंट की भी बात की, लेकिन इससे पहले क्या हम इसको मजीद एक्सप्लोर करें, मैं आपसे मिली कि रिलीजियस एस्पेक्ट के हवाले से भी हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि किस हद तक जो है किस तरह जाना चाहिए, किस तरह से सामने सच को लाना चाहिए. तो आप उस बारे में क्या कहेंगे कि हमें रिलीजन से जो है फैक्टर को हम यूज कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक चीज अपनी मीडिया पॉलिसी बनाने से पहले कुरान पाक से रेफर कर ले. कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में मीडिया पॉलिसी, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा के ऊपर पूरी पूरी आयतें मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं. लोग हैरान होंगे क्योंकि हम तो कुरान को सिर्फ अपने मुर्दे के लिए, फातिहा खानी या कुरान खानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान हर मामले का हल मौजूद है. और आज की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में अल्लाह ताला 1400 साल पहले लिख रहा. जो मीडिया का काम है, जो करते क्या है, ये बेसिकली डाउट्स क्रिएट करते हैं लोगों के दिलों में, शक है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ठीक है नहीं ठीक, पाकिस्तान फौज क्या कर रही है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या नहीं है. कुरान इसके बारे में क्लियरली डिफाइन करता है कि युरीदून लिथु नूरुल्लाह बिअफवाहिम, ये अल्लाह के नूर अफवाहों से बुझाना चाहते हैं. अफवाह कहते हैं हम उर्दू में जिसको लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि झूठी खबर फैला देना, अफवाह. और उसके नतीजे में होता क्या है, जब ये अफवाहें फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन हैं, तो सूरह नास में इसका रेफरेंस आपको मिलता है कि युवस्विसुफी सुदूर नास, ये लोगों को फंसे डाल देते हैं, डाउट क्रिएट कर देते हैं. और डाउट का मतलब है कि डाउट आपके यकीन को हिला देता है, सबको फेथ. पाकिस्तान, पता नहीं पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी अच्छी है कि गलत कर रही है, पाकिस्तान आर्मी या नहीं जंग कर रही, क्या शायद हमने मुंबई धमाके करवाए थे, शायद अजमल कसाब यहीं का था. ये क्रिएट्स अ हार्ट, क्योंकि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है जो इकबाल कहते हैं, यकीन पैदा कर गाफिल के मगलूब गुमातू है. फिर यकीन पैदा करो, क्योंकि जब तुम यकीन होता है, देन यू हैव फेथ, देन यू आर स्ट्रांग. और आपके आपका तरीका यह है कि एक फौज के दिलों में आप खौफ पैदा कर दें, शक डाल दें, फौज और कौम के दरमियान शक पैदा, वसवसा डाल दें, अफवाह फैला दें. ये सारे काम कुरान कहता है कि ये मीडिया, ये लोग अपनी जबान अफवाह फैला के, झूठ फैला के ये लोग करते हैं. इसके ऊपर इतनी खूबसूरत आयतें कुरान में है. एक आयत है कुरान, अल्लाह ताला फरमाते हैं बाकायदा वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और मीडिया से मुतालिक, कि जब कोई फासिक, जब कोई, और ये वो लोग हैं कि जब इनके पास कोई खौफ की खबर पहुंचती है, अल्लाह मीडिया वालों के बारे में कह रहा है कि ये वो लोग हैं कि जब इनके पास खौफ और अमन पहुंचती है, खौफ और अमन का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी, यानी कोई जंग की खबर है, अमन की खबर है, खबर पहुंचती है, ये उस ऐसा क्यों नहीं करते कि ये उसको अल्लाह उसके रसूल की तरफ लेकर जाएं और उन लोगों के जो एनालिस्ट हैं, जो उसमें से इस्तंबात कर सके, एनालिसिस कर सके कि इस खबर का क्या मतलब है, और वो लोग बल्कि उसको फैला देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं पूरी दुनिया में, और उसके नतीजे में क्राइसिस अनार्की फैल जाती है, खौफ है. यानी ये पूरी कुरान की आयत है कि जब उनके पास अमन या खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो वो उसको मशहूर करें, और अगर वो उसको पैगंबर और अपने सरदारों के पास ले जाते तो तहकीक करने वाले तहकीक कर लेते खबर का क्या मतलब है, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता तो तुम चंद लोगों के सिवा तो बाकी सारे ही गुमराह हो चले. ये कुरान की आयत इस बात के ऊपर है कि जो नेशनल सिक्योरिटी की खबर आपके पास पहुंचे ब्रॉडकास्ट ना कर दें, जब तक कि वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट और एडवाइजर्स के पास ना पहुंचे, कुरान और सुन्नत पे मेजर ना कर लें कि क्या इस खबर को फैलाने से माशरे में फसाद फैलेगा या खैर फैलेगा. बुनियादी तौर पर दीन में, बुनियादी तौर पर दीन में एक बेसिक फंडामेंटल है कि जिस तरह आप एक मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकते, उस तरह आप उसकी जान पे हमला नहीं कर सकते, उसके माल पे हमला नहीं, उसकी इज्जत पे हमला नहीं कर सकते, उसके ईमान पे हमला नहीं कर सकते, झूठ नहीं फैला सकते, बोहतान नहीं फैला सकते, खुद नहीं लगा सकते, आप फॉल्स एलिगेशन नहीं लगा सकते. ये सारे हराम काम है जिनकी बड़ी सख्त शरीयत में, और आज हमारा मीडिया सारा यही काम कर रहा है, और कोई मीडिया हमारा एंकर या जर्नलिस्ट नहीं है अगर आप कुरान पाक की इस कैटेगरी पे उनको ला. कुरान की एक और आयत है कि जब कोई फासिक वालों, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले अच्छी तरह तहकीक कर लो, ऐसा कि तुम अपनी जहालत में उसको नुकसान पहुंचा बैठो, बाद में शर्मिंदा होते फिरो. यानी तुम्हारे पास एक इंडियन हिंदू फासिक झूठे मकार, उन्होंने खबर दी कि अजमल कसाब फरीदकोट का है, तुमने जाकर खबर ब्रॉडकास्ट की फरीदकोट का निकला हुआ, नतीजतन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने. एग्जैक्ट ऑर्डर्स हैं कुरान में, इंडियन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये उनका प्लान. मतलब ये कहने का आपको है कि कुरान ने क्लियर लाइंस दी हैं मीडिया ब्रॉडकास्ट की, कि आप
किसी खबर को बगैर तहकीक के ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। आप कोई नेशनल सिक्योरिटी की खबर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते जब तक नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट एडवाइजर्स आर्मी आईएसआई ये लोग उसको वेट न कर दें कि ये खबर ठीक है, इसको जाने से हमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है। झूठ, बोहतान, तोहराम, किसी के ईमान पर हमला आप वो नहीं कर सकते। और आज अगर आप नोट कीजिए कि पाकिस्तान का साथ यही काम कर रहा है जिसके नतीजे में हमें नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस हो गया है, मुल्क तबाह बर्बाद होने के, टीटीपी के दहशतगर्दों को एयर टाइम मिल रहा है, वो धमाका करते हैं, बम तो धमाका करते हैं, उसके बाद एयर टाइम पर आकर कह दिया है हमारी ये डिमांड्स हैं। बीएलए के टेररिस्ट को एयर टाइम दिया जाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। इंडियन सारा फहाशी, बुराई, बदकारी, हमारी अखलाकियात, हमारी वैल्यूज का बेड़ा गर्क करके रख दिया। टू नेशन आजाजम का, आइडियोलॉजी का, पाकिस्तान क्यों बना, इन सारी वैल्यूज को क्वेश्चन करते हैं, सवाल उठाते हैं कि हमारी कौम का ईमान हिलके रह गया अपने पाकिस्तानियों के ऊपर। ये तो ज्यादा साहब जो आपने रेफरेंस दिया रिलीजियस हवाले से वो तो बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं, लेकिन जो एक और सवाल पैदा होता है कि आपने कहा कि जो तालिबान के दहशतगर्दी की न्यूज दिखा रहे होते हैं हमारे मीडिया में वो नहीं दिखानी चाहिए, तो फिर ये भी बताएं कि अगर हो रहा है मुल्क में जो दहशतगर्द सारे अटैक्स हो रहे हैं और हम अगर टीवी पर ये कहते रहे कि सब अच्छा है, सब ठीक है, तो ये भी तो एक किस्म का आवाम को जो है धोखे में रखने वाली बात नहीं। आपको हम बताएं, लंदन में जब ओलंपिक से पहले पूरे लंदन में हुए थे, पूरे लंदन में आग लगी हुई थी, एक लंदन वॉज बर्निंग और पूरा लंदन में ये कम अज कम पे आग लगी हुई थी, कई रात फसाद चलते रहे, कई रात जंगे होती रही। उस वक्त बीबीसी कवरेज दे रहा था, उन सारे फसाद कवरेज दे रहा था, और बीबीसी कवरेज उस वक्त देखने वाली थी वो 100% पुलिस को सपोर्ट कर रहे थे, 100% आइडेंटिफाई कर रहे थे। बीबीसी एक्चुअली जासूस का काम कर रहा था कि वो लोगों की फिल्में उतार उतार के वो पुलिस को दे रहे थे कि ये लोग हंगामे कर रहे हैं, और उन्होंने इस तरह कवर किया हुआ था, कोई उन्होंने अपनी हिफाजत नहीं किया, पुलिस को बेइज्जत नहीं किया, उन्होंने अपनी हुकूमत और रियासत का साथ दिया। वो एक इंफॉर्मेशन वॉर के तौर पर काम अपनी रियासत के साथ मिलकर कर रहे थे। दहशत जो फसादी थे, मिसक्रिएंट थे, उनको अलग किया जा, किसी फसादी को एयर टाइम नहीं दिया गया, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, किसी से इंटरव्यू नहीं लिया गया कि आप जाके ये क्यों कर रहे हैं, और उसकी इतनी खूबसूरत उन्होंने कवरेज की और दो दिन के अंदर अंदर फसाद खत्म हुए, और बीबीसी इस तरह हो गया कि जैसे कभी इंग्लैंड में फसाद हुए ही नहीं थे। उन्होंने फौरन मामला बदल के उस तरफ आ गए कि जो उनके अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव थे वो उनको प्रमोट करने पे लग गए। तो फिर ये होता है जो हमारी हुकूमत की जो हुकूमत में करप्शन हो रही है, अगर हम उसको नहीं लाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं लगता कि वो चीज मजीद फैलती जाए। देखिए बात यह है, बात ना करने से जो है क्या मसला हल। पहली बात आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में ऐसा मीडिया भी है जो बड़ा रिस्पॉन्सिबल मीडिया समझता है, अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है। ईरान का प्रेस टीवी है, रशिया का आरटीवी आरटी है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, दोनों अपने अपने मुल्कों के मफादात का बड़ा अच्छा तहफ्फुज़ करते हैं। और जो उनका जो अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रमोट करना वो काम वो करते हैं। जो दुनिया के आगे बात बताने की होती है, जो दुनिया को बताना होता है, आपने अपनी कमजोरी पर दुनिया के आगे तमाशा नहीं बनाता। आपके अपने घर में ऐसा मामला होते हैं, घर की बातें होती हैं, आप कहते हैं घर के अंदर रखो उसको, उसको तमाशा ना बनाओ, और दुश्मन के मुकाबले पे सारे इकट्ठे होते हैं। यही काम मीडिया का भी होता है। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि हमारे दीन ने इसके भी कुछ पैरामीटर्स दिए। मना किया गया है कि गुनाहों को और बुराइयों की तशहीर ना करो, उससे इंसानों को तशहीर होती है। जराइम मुजरिम आप देखते हैं, आज जिस मुजरिम से जाके पूछिए कि तुमने जुर्म करने का तरीका कहां से सीखा, वो कहेगा टीवी देख के सीखा। क्राइम शोज, क्राइम शोज जा रहे हैं, जो ऐसा जुर्म के जो फाइलों में होता है, एक जुर्म को आप बंद हो जाता है और किसी को पता भी नहीं होता, वो जुर्म आप जब एक उसकी री एनैक्टमेंट पे मीडिया पे दिखाते हैं तो पूरे माशरे के हर आदमी को आप सिखा देते हैं कि जुर्म इस तरह किया जाता है। माशरे में आ गई हैं, छोटे बच्चों की खुदकुशियां बढ़ गई हैं, घरों के अंदर चोरियां, डकैतियां, डाके बढ़ गए, किस तरीके से फोन को इस्तेमाल करके बैंक रॉबरीज करनी है, हथियारों को इस्तेमाल करना है, इस ऐसा ऐसा जुर्म करने का तरीका हम 12-13 साल के बच्चों को सिखा चुके हैं कि इंसान की अकलों में बात नहीं आती। किस उम्र के बच्चे को पूछो कहां से, टीवी के शो से देखा, प्रोग्राम देख के सीखा। जितने भी क्राइम फाइल्स के नाम पर आप जराइम को प्रमोट कर रहे हैं, आप कभी किसी मीडिया को यह नहीं देखेंगे कि यह प्रमोट कर रहा हो कि दहशतगर्द को फांसी दे दी गई हो ताकि लोगों को अफतारी हो। वो ये जुर्म को प्रमोट करता है, सजा को प्रमोट नहीं करता। क्राइम शोज तो आजकल सबसे ज्यादा रेटिंग, और पूरे माशरे को तबाह करने का सबसे आसान जरिया यही है कि आप जराइम को प्रमोट करें, गुनाहों को प्रमोट। ज्यादा में सब इसमें हमें मीडिया पॉलिसी में किसी किस्म की जो रेगुलेशन है, हमारे सामने पैमरा मौजूद है, हमने पीबीए है, इनके रोल्स क्या डिफाइन है? देखिए हमारे पास मीडिया को किसी तरह से कंटेन नहीं किया जाता। पास कुरान पाक मौजूद है, अहदीस मुबारका मौजूद है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि इंसान के झूठा होने की बात काफी है कि सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान करते। हमारा सारा मीडिया झूठा बन जाता है इस तरह। बात यह है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसके बाद मौजूद है, आपके पास पैमरा रूल्स मौजूद है, आपके पास रेगुलेशन मौजूद है, अमल एक पे भी नहीं है। ना कुरान पे अमल है, ना सुन्नत पे अमल है, ना कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल है, ना
कैमरा रूल्स पे अमल है, और अब नई मीडिया कमीशन रिपोर्ट भी लिखी गई है, बाकायदा एक मीडिया कमीशन रिपोर्ट लिखवाई गई। उस बारे में आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगा मीडिया कमीशन रिपोर्ट जो है किस तरफ उसकी रिफ्लेक्शन? मीडिया कमीशन रिपोर्ट बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पूरा एनालाइज किया है कि पाकिस्तान में जो अचानक एक्सप्लोजन हुआ है मीडिया का, 2000 बाद अब तक तकरीबन 100 चैनल आपने खोल दिए, तो लोगों की तरबियत का तो कोई इंतजाम नहीं था। पाकिस्तान में कोई अकेडमी सहाफी और जर्नलिस्ट को ट्रेन करती हो? कोई अकेडमी है जो नजरियाती तौर पर ट्रेन करती हो कि आपने पाकिस्तान कैसे करना है? और आपने कोई रूल नहीं बनाया फॉरेन फंडिंग के हवाले से। रशिया में पुतिन ने लॉ बना दिया कि कोई मीडिया अगर बाहर से पैसा लाएगा तो उसको दुश्मन ट्रीट करने की तरह सजा दी जाएगी। ईरान में यही लॉ है, चाइना में यही लॉ है, सऊदी अरेबिया में ये लॉ है, पाकिस्तान में नहीं है। भारत जंग में हमारा मीडिया इतना हैवीली फॉरेन फंडेड है कि बाज चैनल्स तो ऐसे हैं कि जिनको खुला पार्लियामेंट कहती है कि हमने मिलियन ऑफ पाउंड्स दिए। क्यों नजर नहीं आ रहे इस किस्म के लेजिस्लेशन, क्यों नजर नहीं आ रहे? देखिए फॉरेन फंडेड नजर आ रहा है। आपको दहशतगर्दी के खिलाफ कोई लेजिस्लेशन नजर आ रही है? आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाली जर्दी जिसने मुल्क का बेड़ा, कोई लेजिस्लेशन है नहीं? दूसरी बड़ी जंग टीटीपी से ज्यादा खौफनाक जंग पाकिस्तान मीडिया से हो रही है, और मीडिया वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सुप्रीम मीडिया के खिलाफ केसेस नहीं सुनती, कमाल की बात है। जजों के खिलाफ केस सुन लिया जाता है, आर्मी के खिलाफ केस, मीडिया के खिलाफ केस नहीं सुना जाता। मैंने जाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल किए हुए मीडिया के खिलाफ कि बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ आइडियोलॉजिकल नजरियाती मिलिट्री जंग कर रहा है, वॉर कर रहा है, जहां पर फिल्म सबवर्जन बन जाती है, सहाफत बगावत बन जाती है। वो एक लाइन है जो क्रॉस हो चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती। अच्छा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी तो हम क्या करें फिर उसके बाद? लेकिन हमें नवाज शरीफ साहब यूएन सेशन में भी कहते हुए नजर आए कि आज पाकिस्तान के पास आजाद मीडिया है, आज पाकिस्तान के पास अदलिया है, जमहूरियत है। पाकिस्तान के पास आजाद मीडिया नहीं है, आवारा मीडिया है। जो माँ बाप की बात ना सुने, अपने माँ बाप को गालियां बके, अपने घर को आग लगाए, उसको आप आजाद नहीं आवारा कहते हैं। हमारा मीडिया आवारा है जिसके ऊपर कोई चेक ना हो। आजाद होने में और आजाद होने में जमीन आसमान का फर्क है। इकबाल ने यही बात कही थी, अगर सलीका ना हो सोच और समझ का, अब ये इजहार इंसान को हैवान बनाने का है तरीका। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, हमारे टाइम आज फैले हैं, हमारे माशरे में जो जहनी मरीज पैदा हो गए, हमारे माशरे में जो दहशतगर्दों को एयर टाइम मिल रहा है, माशरे में जो फहाशी बुराई बदकारी और इंडियन कल्चर शामिल हो रहा है, हमारे माशरे की जो वैल्यूज ये बन गई है, क्या हो रहा है? और बच्चे शैंपू के रंग पे परेशान हो रहे हैं कि शैंपू कौन सा हो, और मोबाइल फोन की सिम भी चाहिए, और पैकेज कौन सा हम लगाएं, ये सारा कुछ मीडिया कंट्रोल कर रहा है। और हमारे सारे चैनल्स की डायरेक्ट फॉरेन फंडिंग है, कहीं पर यूएसएड के इश्तेहारात आ रहे हैं, कहीं के ऊपर बाहर की डायरेक्ट फंडिंग आ रही है। ब्रिटेन खुल के लॉर्ड नजीर को उन्होंने बताया कि उन्होंने किस चैनल को कितने मिलियन पाउंड दिए। अब ये बात कोई खुफिया नहीं, ये बातें खुलकर आ गई हैं और इसको अब अदालत में जाना चाहिए, लेकिन मीडिया अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा है। हर से भी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता खौफ के मारे। तो फिर कैसे अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, मीडिया पर बात करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी के हवाले से, मीडिया रोल के हवाले से। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान में हमें इस वक्त चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, सेक्टेरियन किलिंग नजर आ रही है, एथनिक किलिंग नजर आ रही है, क्या कुछ मीडिया पर दिखाना चाहिए या नहीं? जायद अहमद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि सिकंदर केस होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट चल जाती है, सारे चैनल जो है सब कुछ छोड़ के वो 6 से 8 घंटे तक जो है सिकंदर का लक्ष्य कर रहे होते हैं, फिर कायद की रेजिडेंसी पर जो अटैक होता है, जिस तरह से तालिबान वो अटैक कंडक्ट करते हैं, किया जाता है, तो अब ये मीडिया की जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, उसको कैसे बनाया जाए, उसको कैसे कंडक्ट किया जाए? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग टूल, अगर उसको सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो ये एक बड़ा पॉजिटिव टूल जो है वो साबित हो सके। आपको मर्ज करें ना कि हमारे मीडिया में तीन तरह के लोग हैं।
एक वो लोग हैं जो खास गद्दार हैं, बाहर से पैसे ले रहे हैं, नजरियाती तौर पर पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उठा के देख लीजिए, कहीं कोई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में लड़ता रहा होगा, कहीं आज कोई इंडिया से पैसे ले रहा होगा, कोई झूठे फैलाता होगा बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, झूठी खबरें फैला रहा होगा कि पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टरों से बलोचों को नीचे फेंक रही है, तो बलोचों से नफरत विरसे में मिली हुई है। ऐसे ऐसे जुमले अगर आप मीडिया पर चलाएंगे तो ये तरबियत तो ट्रेन नहीं है, ये जंग की जा रही है, ये झूठ बोला जा रहा है, बाकायदा इंफॉर्मेशन वॉर है जो पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। इसको तो पकड़कर गद्दारी का मुकदमे में टांगना पड़ेगा, और कोई हल है ही नहीं। जिस तरह आप टीटीपी के साथ सलूक करते हैं, झूठ बोलकर पाकिस्तान पर तोपखाने की फायरिंग करें अपने मीडिया से, उसको सजा सिवाय सजा देने के और कोई तरीका नहीं है। दूसरे वो लोग हैं कि जो नादान दोस्त हैं, वो बच्चे हैं जो अच्छे लोग हैं, जो सिंसियर हैं, पाकिस्तान से गद्दार नहीं है, सिर्फ तरबियत याफ्ता नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हमको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करने पड़ेंगे, मीडिया की गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी कि मीडिया, और जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं उनको इन्फोर्स करना पड़ेगा। जिस तरह मुताबिक जो मीडिया बूम हमें नजर आया पाकिस्तान में, उसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था, बिल्कुल तैयार नहीं था, ना हमारे लोग तैयार थे। बस प्रेस हुआ करता था, हमारे पास लोग सहाफी थे जो अखबारों में लिखते थे, एक अखबार में लिखने वाला सहाफी कैमरा माइक उसको मार्केट में छोड़ दिया, वो क्या करेगा, ना खबरें हैं इतनी ज्यादा, उसको अपनी जगह बनानी है 100 चैनल्स के बीच, सिवाय झूठ बोहतान तोहमत सेंसेशनलिज्म रेटिंग इसके अलावा कोई काम ही उसका नहीं है। वो करेगा रेटिंग की खातिर, इज्जत आबरू बेचेगा वो अपनी भी। लेकिन जो ये कहा जाता है कि मीडिया के थ्रू अवेयरनेस लेवल आ रहा है, एक आम इंसान जो गवर्नमेंट मैटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, मीडिया में के जरिए अवेयरनेस नहीं आ रही है। अनाज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इस वक्त फैला हुआ है इसको अवेयरनेस नहीं कहते, ये इंफ्लादा है, नॉलेज नहीं है। इसमें जितना झूठ आज तक कौम ये कंफ्यूज है इस बात पे कि अफगान कौन है, अफगान तालिबान कौन है, और टीटीपी कौन है, ये अच्छे तालिबान कौन है, बुरे तालिबान कौन है, इतना बड़ा कंफ्यूजन मीडिया ने खड़ा किया हुआ है। अभी तक कौम इस बात पे कंफ्यूज है कि हमारी जंग है कि दुश्मन की जंग है, हम इस जंग में शामिल हों कि हमारी जंग, फौज क्या कर रही है, फौज के, अभी तक फौज कौम को यह कंफ्यूजन है कि मुल्क का 50% बजट फौज, हालांकि सब झूठ और खुराफात है। ये हम अर्ज कर रहे हैं, इसको कहते हैं झूठ फैलाना, डिसइंफॉर्मेशन, कंफ्यूजन फैलाना, लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करना। आपने जो बात की कि मीडिया के साथ क्या करना चाहिए, मीडिया को बड़ी सख्ती से अकाउंटेबल करने की जरूरत है। आप जब पासपोर्ट भी बनवाते हैं तो आप एक फॉर्म भरते हैं जिससे कि जो कुछ ऊपर मैंने मालूमात लिखी है मेरी मालूमात के मुताबिक ये सच है। शनाख्ती कार्ड भी आप भरते हैं तो आप साइन करके फॉर्म फिल करते हैं। मीडिया के सहाफी बनने के लिए, एंकर जर्नलिस्ट बनने के लिए, पूरी दुनिया का दिमाग के लिए ठीक करने के लिए आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जो मर्जी चाहे बोलते फिरें, कोई ट्रेनिंग, कोई तरबियत, कोई साइन, कोई एफिडेविट, किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। आप जो चाहे बोलते फिरें, रेगुलेट करना पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया 11 साल में जो अचानक इसको इतने बड़ा एक्सपोजर मिल गया, ये बिल्कुल नौदलतीय की तरह कि बिल्कुल एक ऐसा आदमी जिसने जरूरत ना देखी हो, आप इसको अरबपति बना दें, पैसा उसके हाथ में दे दें, उसको समझ ही नहीं आएगी मैं इस पैसे का क्या करूं, उसने अपना क्या करना है, कौम का भी करना है। यही हाल हमारे मीडिया ने किया। तो मीडिया को रेगुलेट करना है, पैमरा के रूल्स हैं, मीडिया की अकाउंटेबिलिटी करें। जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, अजमल कसाब जैसी झूठी खबरें चलाकर, लेकिन पैमरा के हवाले से तो कहा जाता है कि वो हुकूमती इदारा है, ब्यूरोक्रेट्स की पैदावार, पैमरा जो है वो किस तरह से जस्टिफाइंग रेगुलेट करेगा। देखिए पैमरा ने एक रूल बनाया, अपरेंट कॉरपोरेशन बनाई है जिसका काम है मीडिया रेगुलेट करना। आप उसको इंडिपेंडेंट करें जेन्युइनली, जैसे आप नैप, बहुत सारे मुल्क के अंदर हर काम कोर्ट का नहीं होता, नैप को आप इंडिपेंडेंट करिए तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नैप देखेगी, इंडिपेंडेंट कीजिए तो वो देखेगी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी तो अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है, पाकिस्तान आर्मी में कोई अफसर अगर करता है तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसको फौज से निकाल दिया जाता है। आज तक मीडिया में आपने किसी की अकाउंटेबिलिटी, कोई शख्स एक चैनल पर जुर्म करता है उसको दूसरा चैनल अपने पास रख लेता है, बिल्कुल आपस में ही घूमते रहते हैं वो सारे। आप अगर पैमरा रूल इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कोर्ट्स अदालतों की तरफ जाना पड़ेगा। अगर अदालतें भी इन्फोर्स नहीं करती बात, इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है, फिर तलवार फैसला करेगी, यानी या फौज डंडा मारेगी उनको, या दहशतगर्द धमाके से उड़ाएंगे, लोकल आएंगे। इस तरह मीडिया जो पाकिस्तान का आज चल रहा है, इस मीडिया में और टीटीपी की इंसर्जेंसी में बगावत नहीं है, दोनों ही पाकिस्तान का बराबर बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बल्कि मीडिया ज्यादा कर रहा है कि मीडिया ने हमारी दीन, हमारी वैल्यूज, हमारी जबान, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा फैशन सब तब्दील करके, इश्तिहारों के लिए पैसे के लिए, सारे इश्तिहार आजकल इंडिया में बन रहे हैं, सब कुछ आपको अंदाजा नहीं, आप देखते तो जा रहे हैं, चाय की पत्ती का इश्तिहार देख रहे हैं, लेकिन बनता वो इंडिया में, उसमें इंडिया का कल्चर साथ आता है। इतना जो हमें सब, जो हमें रेटिंग्स का क्राइटेरिया नजर आता है कि किसी भी चैनल के, किसी भी शो की जो व्यूअर्स, उसका एक सिर्फ स्टैंडर्ड है कि रेटिंग्स इसमें कितनी है, तो इस रेटिंग्स के स्टैटिस्टिक्स से जो है रिप्लेस करना चाहेंगे, क्या चीज ऐसी होनी चाहिए रेटिंग्स के अलावा कि वो जज करे कि चीज दिखानी चाहिए ये सही रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आई है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत आई है। 2000 से अफलातून सुकरात बुकरात ने ये बात कह दी थी कि कभी किसी ताजिर को स्कूल नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ ऐसे होने चाहिए जो नजरियाती तौर पर औलाद की तरबियत करने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए स्कूल बनाएगा वो बच्चों का बेड़ा गर्क है। और यही हाल मीडिया का है, आजकल मीडिया एक यूनिवर्सिटी स्कूल का काम करती है, लोगों की तरबियत करने का काम करती है। जो मीडिया ओनर्स हैं जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है,
अगर आप उनको खुली छुट्टी दे देंगे मीडिया पे तो उनके लिए प्रॉफिट टेकिंग उनका मकसद है, उन्होंने हर तरफ से पैसा लेना है, वो अमेरिका से भी लेंगे, इंडिया से भी लेंगे, गंदा चलाएंगे जो वैल्यूज खत्म करता है लेकिन इश्तेहार मिल रहा है, यूएसए का एड भी चलेगा, अगर आप ये क्राइटेरिया रहे तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क है। या तो प्राइवेट मीडिया को बंद करना पड़ेगा जैसे आपने कहा कि पीटीवी काफी है हमारे लिए, फिर प्राइवेट मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि मुल्क और कौम का मफाद भी जरूरी, कौम तबाह हो गई तो आपके पैसे का कुछ नहीं कर सकेंगे आप, और ये रेगुलेट कौन, करना कौन रेगुलेट करेगा? देखिए वही ठीक है, पैमरा को ताकतवर करें या हुकूमत ताकतवर हो या जुडिशरी ताकतवर हो, वरना ये काम या दहशतगर्द करेगी या फौज करेगी, किसी को या अल्लाह ना करे मुल्क ही तबाह हो जाएगा तो फिर ना मुल्क होगा ना मीडिया होगा, फिर क्या करें? इराक में बाकी बच गया, सीरिया में कौन सा मीडिया बाकी बच गया, लीबिया में कौन सा मीडिया बाकी बच गया? आप उन मुल्कों को तरक्की की है जिनके मुल्क में अनार्की कम है, चाइना में अनार्की नहीं है, 1 अरब की आबादी है, कैसे कंट्रोल करते हैं वो? उनको भी तो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है ना, वहां तो 100 चैनल नहीं है, वहां तो कोई ऐसी एनआरकी नहीं है, वो कैसे कंट्रोल? ईरान कैसे कंट्रोल करता है? 7-8 करोड़ की आबादी उसकी भी है, वहां कोई एनआरकी नहीं फैली हुई, वहां के लोग मीडिया देख पागल नहीं हो जाते? हम ईरान गए, मैंने वहां ईरान के चैनल पूछा, उनके होटल में सारे मुल्कों के चैनल आ रहे थे, पाकिस्तान का नहीं था, हमने कहा पाकिस्तान का कोई चैनल आपने क्यों नहीं लगाया? कहते हैं इतने फहश होते हैं कि हम अपने माशरे में दिखा, इतने गंदे होते हैं, यानी आपके पास कोई इंटरनेशनल चैनल ही नहीं है जिसको आप दुनिया में आप प्रेस टीवी के लेवल पे, अल जजीरा के लेवल पर आप उस चैनल को दिखा के कहें कि ये पाकिस्तान की आवाज है। हर चैनल हमारा खबरनामा भी होता है उसमें गंदे इंडियन नाच दिखा रहे होते हैं, वो बेहुदा बेशरम लोग। ये जो कंटेंट है जो आप बात कर रहे हैं कि जो हमें नजर आ रहा है और हमारे मीडिया में एंटरटेनमेंट में देखें तो हद वैल्यूज बड़ी डी वैल्यू होती है, नजर आती है, आखिरी हद क्रॉस हो जस्ट अनइमेजिनेबल महसूस होता है देखकर। और फिर अब जो ये नया हमें नजर आ रहा है ट्रेंड के जो दूसरे मुल्कों के ममालिक के ड्रामाज हमें सीरियल्स देखते हुए नजर आ रहे हैं और हमें अपने मुल्क के चैनल उस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हम अर्ज करें ना कि पैमरा में रूल्स मौजूद हैं इसके, क्या फॉरेन कंटेंट 5% या 6% से नहीं दिखा सकते? 100% कंटेंट फॉरेन दिखाया जा रहा है, बाज चैनल तो ऐसे हैं। बात यह है कि लॉज मौजूद हैं, लॉज का देखिए इसका मजाक हम आपको बताएं, मजाक हमारे बारे में पाकिस्तान के बारे में दुनिया में चल रहा है कि किसी ने कहा अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन आया तो उसमें एक नेवल चीफ था, एक आदमी नेवी की वर्दी पहना हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि अफगानिस्तान में तो नेवी नहीं है तुम तो नेवल चीफ की वर्दी क्यों पहने हुए हो? तो उसने कहा जी कि मैं अफगानिस्तान हूं, पाकिस्तान में भी तो आपके पास एक लॉ मिनिस्टर है, यानी आपने लॉ मिनिस्टर बनाया हुआ है लेकिन ही नहीं कोई पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान में नहीं लेकिन मैं नेवल चीफ बना। तो मतलब कहने का यह है कि लॉज आपने सारे बनाए हुए हैं, इन्फोर्समेंट एक भी नहीं है, लॉ मिनिस्टर का होना ना होना बेकार है, कानून है ही नहीं, ना अदालतें नाफिज कर रही है, ना वजारत कानून नाफिज कर रही है, ना वजीर आजम ना पैमरा, तो अब आपने उसके बाद बेकार हो गई। हमें यह नजर आ रहा है कि हमारा मीडिया हम पर उस तरह फायर कर रहा है जैसे दुश्मन के टैंक उतर गए और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह बर्बाद हो गए हमारी वैल्यूज, हमारे अखलाक, हमारा दीन, हमारी पाकिस्तानियत, हमारा कायदे आजम, हमारे इकबाल, हमारी उर्दू, सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मीडिया ने और कोई वाला नहीं है, हमें यह नजर आ रहा है। तो फिर आपने जैसे कहा कि इस मीडिया को कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन ये मीडिया सबको कहता है, अब जो हमें एजुकेशन के हवाले से बात करती है तो फॉरेन कंटेंट की जो पेनिट्रेशन है उस पर ये मीडिया खुद ही क्यों अकाउंटेबल होता है? एक बात हमें बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि आने वाले वक्त अगर पाकिस्तान में कोई भी मजबूत मरकजी हुकूमत आ गई, ये हुकूमत तो बिल्कुल फारिग है, अगर कोई मजबूत मरकजी हुआ तो या तो सारा प्राइवेट मीडिया ये बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल आप 2001 से पहले वाले सीन पर चले जाएंगे क्योंकि इस मीडिया ने किया कुछ भी नहीं है, कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। हम पीटीवी के दौर से आए, आई वॉज बॉर्न इन 1964 और पीटीवी शुरू हुआ था और 64 से 2001 तक हम पीटीवी देखते रहे और कोई प्रॉब्लम हमें सब पता काम था, हमें पीटीवी पे उस जमाने में बना करते थे और इश्फाक अहमद चलते थे और वैल्यूज वाले ड्रामे देखकर हम बड़े हुए, तो वी हैड सम सॉलिड वैल्यूज ऑन पाकिस्तान। और आजकल तो उर्दू भी नहीं आती, बेड़ा गर्क होकर रख गया सिवाय इंडियन ड्रामों के, स्टार प्लस और स्टार जी भी देखने के और टर्किश ड्रामे। तो जिस टॉक शो में दो लोग लड़ ना रहे हो वो टॉक शो रेटिंग्स नहीं लाके दे पाएगा, या तो प्राइवेट मीडिया बंद करना पड़ेगा, इस मीडिया को अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा या हुकूमत को इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, इसके अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह मीडिया चल रहा है, इस तरह नहीं चल सकता, दिस इज एन एनिमी ऑफ द स्टेट। वही बात आपके ख्याल में जो हमें अपना नेबरिंग कंट्री इंडिया नजर आता है, आपके ख्याल में वहां पे मीडिया को जो कहा जाता है कि मीडिया ज्यादा बोल्ड कंसीडर किया जाता है इंडिया के मुकाबले में, ज्यादा इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है इंडिया के मुकाबले में, तो आपके मुताबिक इंडिया की तरह हमें भी एक कंट्रोल हैंड होना चाहिए हमारे मीडिया पर भी? देखिए इंडिया का जहां है उसकी तो इंडियन मीडिया की जो फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट है कि इंडिया गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन आर्मी है, इंडिया का मीडिया 100% कंट्रोल्ड है वहां पे, कोई उनका आर्मी के खिलाफ बोलते हैं वो नगर, उन्होंने जो करना होता है दुनिया में इंडिया को जो प्रोजेक्ट करना है फॉरेन पॉलिसी के, वो काम तो वो ठीक कर रहे हैं लेकिन मीडिया ने अपने माशरे को भी तबाह कर दिया है। जो इंडिया में आप देख रहे हैं कितने सारे रेप केसेस हैं और इतनी बेहूदी तूफान मचा हुआ है पूरे इंडिया के अंदर, वो सारा उनकी फिल्में देख देख के, वो जो उन्होंने पाकिस्तानियों को खराब करने के लिए फिल्में, अब उनका अपना माशरा भी तबाह हो गया उसके साथ, और वही इंडियन मटीरियल जब आप उठा के अपने माशरे में लेकर आएंगे तो फिर हमारे माशरे हाल होगा अनार्की अवारगी। जो डैन ब्राउन ने जो बात कही थी कि मीडिया इज द राइट आर्म ऑफ अनार्की, चीज है कि मुल्क में अनार्की फैलानी हो तो उसका जो दस्तबाजू है वो मीडिया है,
मीडिया के जरिए कौमें तबाह, मीडिया के जरिए कौमों की तामीर होती है। लेकिन लेकिन ये जो तामीर की आपने बात की, अगर हम पाकिस्तान प्राइवेट मीडिया को सही चैनल पर लेकर जाएं तो हम इससे क्या अचीव कर सकते हैं? देखिए सब कुछ, यानी ये आपके पढ़कर ये आपकी पहला काम इसका ये है कि पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करे। मीडिया पाकिस्तान को उस तरह प्रोजेक्ट करे कि जैसे हमें प्रोजेक्ट करने की जरूरत है, एक इस्लामी नजरियाती रियासत को, पाकिस्तानियत को मुत्तहिद करे। पंजाबी सिंधी बलोची पठान प्रमोट करने के बजाय जब कोई धमाका होता है तो कहते हैं शिया सुन्नी मारे गए, बरेलवी मारे गए, देवबंदी मारे गए, ये बलोची मारे गए, पठान मारे गए, ये क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान मारे गए? बात यह कि जो टर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप लोगों के जहनों को प्रोग्राम करते हैं। इस पूरे मीडिया को जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था, हमारी आइडियोलॉजी, जो जंग इस वक्त आज पाकिस्तान है, जो टीटीपी हमारे खिलाफ बकवास कर रहे हैं, जो बीएलए की बकवास हो रही है, कौमियत लिसानियत सुबाइयत पर हमें तकसीम किया जा रहा है, सबको खत्म करके नेशनलिज्म प्रमोट करें, इस्लामिज्म प्रमोट करें, पाकिस्तानी कौमियत लिसान उर्दू करें, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करें, यह रोल है मीडिया का। वरना इस मीडिया का मुस्तकबिल मुझे बिल्कुल तारीख नजर आता है। जाती तौर पर मैं कोई प्राइवेट मीडिया आइंदा आने वाले वक्तों में नहीं देख रहा हूं, क्योंकि यह मीडिया नहीं कर रहा, खुद से अपील नहीं कर रहा और हेविली पेनिट्रेटेड है दुश्मनों की, यानी इसमें दुश्मन फंडिंग भी आ रही है और गद्दार बैठे भी इसको चला रहे हैं। इसका इलाज तो वही मुझे नजर आता है जो टीटीपी का हमें करना पड़ेगा। जब उनके हम सर उतारेंगे, अभी कुछ साफियों के सर उतारेंगे, यहां पेट्रियॉट्स भी हैं लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की कोई, वरना बाकी जो है या तरबियत करें उनकी या सर उतारें, और कोई इलाज साफियों की अकाउंटेबिलिटी करना पड़े। तो आपके ख्याल में अकेडमीज होनी चाहिए जो कि जर्नलिस्ट को, जो अब यूथ आ रहा है ऑब्वियसली जाकर जो है यूथ के हाथ में आएगा ये मीडिया का सेक्शन भी, तो आपके ख्याल में क्या ऐसी अकेडमीज होनी चाहिए, ऐसे इसमें चाहिए जो कि बाकायदा प्रॉपर एंड ट्रेन जर्नलिस्ट? तरबियत दो तरह की होती है, एक तरबियत है टेक्निकल तरबियत, तरबियत का मतलब है कि एडिटिंग कैसे करनी है, कैमरा कैसे उठाना है, लेके जाना, ये टेक्निकल काम है, ये तो यूनिवर्सिटी से पढ़ाया जाता है। असल बात यह है कि एक साहसी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है, जो लोगों की जहन साजी करता है, अपनी तरबियत उसका प्रोस्पेक्टिव इतना वाइड हो कि वो समझे कि पाकिस्तान का क्या किरदार है और हमने इसको प्रमोट करना है दुनिया में, उसके लिए नजरियाती तरबियत की जरूरत है, वो टेक्निकल तरबियत नहीं है। ये दो जरूरत, हमारा अलमिया टेक्निकल नहीं है, हमारे तो बेहतरीन टेक्निकल कैमरामैन एडिटर्स और ये लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन इसी पता कि आज पाकिस्तान के खिलाफ जंग कौन सी है, उनको कायदे आजम इकबाल इस्लाम कुरान के बारे में कुछ नहीं पता, उनको पाकिस्तान हालत जंग में, लेकिन वो जंग रिपोर्ट करते हैं तो उनको यह नहीं पता कि रिपोर्ट क्या करना है, उनको यह नहीं पता कि छोटे हथियार और भारी हथियार का फर्क क्या है, वो टैंक और आर्मर्ड कार का फर्क नहीं बता सकते। इंटरनेशनल मीडिया है हमारा, यानी बिल्कुल इनको कुछ नहीं पता, एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग, और कैमरा लेके हर जगह और सिर्फ बकवास करते हैं। शहीद होता है आदमी और उसके साथ उसका अजीज रो रहा होता है, उससे जाके पूछते हैं कि आप क्या है और एहसास क्या है, बगैर ये रियलाइज करे कि वो बेचारा उस वक्त अपने गम में मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन जैसा कि आपने ज़ाहिद हामिद साहब के एनालिसिस सुने मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान में जो नजर आई और पाकिस्तान में जो मीडिया का रोल हमें नजर आ रहा है। नाज़रीन शो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जिम मॉरिसन के मुताबिक हूएवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड, तो मीडिया की एक अहम जिम्मेदारी है कि अगर वो माइंड्स कंट्रोल कर रहे हैं अवाम के, पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के अगर माइंड्स को कंट्रोल किया जा रहा है तो उसमें किस चीज को वो इनिशिएट कर रहे हैं? क्या हमारा मीडिया प्रमोट कर रहा है, क्या हमारा मीडिया इस्लामिज्म को प्रमोट कर रहा है, यानी क्या मीडिया अपनी अकाउंटेबिलिटी कर रहा है? ये वो सारे सवाल हैं जो हमें एज एन एंकर पर्सन या एज ए मीडिया पर्सन जो है सोचना चाहिए। इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट। Thank you.